ऑफिस का कुछ कन्फ्यूजन सवाल, जैसे कि आप लोग बहुत से सिटी कार्ड या मॉल में कपड़ा लेने जाते ही तो वहाँ पर लिखा रहता है 300 या 400 का 20% ऑफ दिया जाएगा या 2000 या 3000 पर 20% का छूट दिया जाएगा, 40% छूट दिया जाएगा। तो आप इस तरह के मतलब इस तरह के मूल्यों में कैसे आप खुद निकाल करके कैसे अपना पैसा बता सकते हैं कि हमारा पैसा कितना हुआ? तो देखिए कैसे लगाएंगे। राम किसी मॉल में गया तो उसको एक शर्ट लेना था, उस पर लिखा था कि 2000 सामान पर 40% ऑफर दिया जाएगा, तो दुकानदार को कितना रुपया देना होगा, मतलब कि राम दुकानदार को कितना रुपया देगा। सबसे पहले आप लोग जान लें कि परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, 1/100 से गुणा करना होता है। परसेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिशत। तो हम लोग लाकर देखते हैं, जैसे कि 2000 रुपये पर कितना छूट दे रहा है, 40% का, 2000 का 40% ऑफ है, तो 2000 का 40% पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 2000 का मतलब होता है गुणा 40% का मतलब होता है गुणे में 1/100 से गुणा कर देते हैं, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे 20 का गुना 40, गुणा कर देंगे 4 × 2 = 8, 20 उतार देंगे, मतलब कि 2000 रुपये में से 800 रुपया माइनस कर दें तो हमारा प्राइस कितना पैसा देना होगा दुकानदार को ये पता चल जाएगा। तो हमारा इसमें कितना पैसा छूट मिला, छूट रुपया कितना मिला 800 का, और कुल पैसा कितना था, कुल रुपया 2000 था, छूट मिला था 800 रुपये का, तो 2000 में से 800 माइनस कर देंगे, 0 + 0 = 0, 0 यहाँ आ गया, 20 में से घटाएंगे 12, मतलब कि दुकानदार को 1200 रुपया देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग आसानी से इस तरह का आप सवाल लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं।